तो डॉक्टर डॉक्टर मनोज सेला स्टार्ट। हाँ सर प्लीज। ओके, आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। ये आपका डिजीजेज एंड पेस्ट ऑफ मशरूम्स के ऊपर है, ठीक है? तो हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा मशरूम का इंट्रोडक्टरी पार्ट से। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी मशरूम्स है हमारे देश में, बाहर भी, अब्रॉड में भी, लेकिन उसमें से जो मेजर जो मशरूम्स है वो आपका बटन मशरूम है। ऑलरेडी आई थिंक जो प्रोडक्शन साइंटिस्ट है दे हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि क्या क्या प्रोडक्शन सिनेरियो है, कौन सा अच्छी मशरूम है, कितना प्रोडक्शन शेयर है। तो प्रोडक्शन में वी आर रिच इनफ, लेकिन ये प्रोडक्शन थोड़ा और इंक्रीज हो सकती है। जिन लोगों का अपना म्यूट नहीं किया है, काइंडली म्यूट देयर सेल्फ, अदरवाइज डिस्टर्बेंस विल बी देयर। तो आपने आपको म्यूट करी है, जिन्होंने जो अनम्यूट है। अनिल सर ये कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी 10 लोग और बचे हुए हैं, इसके इसके इसकी वजह से अच्छा बीच अच्छा में आवाज आ रही होगी। ओके 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 तो जो ग्लोबल सिनेरियो है वो भी आपको पता ही है कि चाइना इज लीडिंग इन मशरूम प्रोडक्शन, जो डाटा अवेलेबल है एफओयू का। और इंडिया इज मीन्स स्टिल वी कैन से जो टॉप 10 जो कंट्री है उनका जो नॉट इन दैट लिस्ट स्टिल। तो हम लोगों को और मेहनत करने की आवश्यकता है। जो प्रोडक्शन लोअरिंग जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको मैनेज करना है। तो वो क्या प्रोडक्शन लोअरिंग फैक्टर है, व्हाट आर दोज स्ट्रेसेस, हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो अब जैसे जो स्ट्रेसिस है मशरूम कंडीशन में, चाहे आपका बायोटिक स्ट्रेसिस है, बायोटिक स्ट्रेसिस है, उनसे जो ब्लेमिशेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, हम लोगों को अगर कोई चोट लग जाए तो वो करेक्ट हो जाती है। हम लोग कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे है। लेकिन मशरूम जब ब्लेमिशेस आने के बाद उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फंगल डिजीजेज है मशरूम का, दे आर वेरी सीरियस पर्टिकुलरली। तो और जो और भी डिजीजेज हैं जैसे फंगल, वायरल, जो आपका बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट उतना सीरियस वो नहीं है। और दूसरा फ्लाइज, अगर पेस्ट की बात करें तो मशरूम कल्टिवेशन में फ्लाइज एक बहुत ही डैमेजिंग बड़ा पेस्ट है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सपोज हम लोग बिगनर्स हैं और मशरूम कल्टीवेशन दे हैव स्टार्टेड, तो अगर अगर हम लोग लाइटली किसी चीज को ले रहे हैं, हमें पता नहीं है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग गुड प्रोडक्शन ऑफ आवर मशरूम क्रॉप, तो जो आपका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, आपका ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट है, अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसको पूरी तरह से नहीं सोच पाते, उसी से फिर ब्लेमिशेस जाते हैं। बिकॉज मशरूम्स आर हाईली पेरिशेबल क्रॉप्स। अब दूसरा, अगर हम लोगों ने जो अभी चर्चा भी करी जैसे टाइप ऑफ स्ट्रेसिस का, जैसे अबायोटिक स्ट्रेसिस का है, बायोटिक स्ट्रेसिस का है। अबायोटिक में जैसे आपका जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आते हैं। बायोटिक में आपका फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, निमेटोड, ये सब इसमें जो जो ट्रबल क्रिएट करते हैं, दे आर द बायोटिक स्ट्रेसिस। और दूसरी बात आती है कि व्हाट आर द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ आवर क्रॉप, जब हम लोगों को ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता होती है। जो कंपोस्टिंग प्रोसेस से शुरू जैसे हम लोग बात करते हैं, तो कंपोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ बेसिक मटेरियल फॉर मशरूम कल्टिवेशन। कंपोस्ट प्रेपरेशन को डोंट टेक इट लाइटली। अगर मान लो बेसिक मटेरियल अच्छा नहीं है, इट मीन्स आप प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। और तो दूसरा, इनोकुलेशन, जब आप स्पॉन कंपोस्ट में डालते हैं, दैट स्टेज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन रन है, स्पॉन रन जब हो रहा होता है, जितना आपको प्रोडक्शन साइंटिस्ट ने उसका स्पॉन रन का टेम्परेचर कंडीशन जो बताया है, यू हैव टू मेंटेन ऑल दोज कंडीशन अकॉर्डिंगली विदाउट एनी चेंज। फ्रूटिंग की बात करते हैं, जब क्रॉप फ्रूटिंग में है तो हम लोग को केयर लेने की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज आपका 90% मशरूम आपका जो है वो वाटर है। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों को माइंड में रखनी है। आपका जैसे पीनिंग है, केसिंग है, ऑल दीज इंपॉर्टेंट स्टेजेस। जैसे केसिंग का आपका
बीएबी दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मटीरियल ऑफ बटन मशरूम कल्टीवेशन, आपका मिल्की मशरूम कल्टीवेशन। इसी के ऊपर आपका जो, अगर मान लो मटेरियल अच्छा नहीं है तो प्रोडक्शन भी आपकी नहीं होगी। जस्ट आपको टू शो कौन सा क्रिटिकल स्टेज है, जब हमारे जो आपका स्ट्रेसेस हैं उनके ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब अगर हम लोग ग्लोबल सिनेरियो की अगर बात करें कि कौन कौन से जो, जैसे ज्यादा हमारे जो बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, जैसे इसमें फंगल बैक्टीरिया ये सब चीज आती है, तो उसमें जैसे आपका बेड बबल पैथोजन है माइकोबोन, इसके भी बहुत सारे आइसोलेट्स हैं। आपका ड्राई बबल पैथोजन है वाटिसिलियम, इसके भी 43 आइसोलेट्स हैं। ट्राइकोडर्मा है, 12 तरह का ट्राइकोडर्मा के, ट्राइकोडर्मा अग्रेसिवम का आइसोलेट्स अलग अलग हैं। वॉबैब है जो हमें बटन और इसमें ऑयस्टर में ट्रबल क्रिएट करता है, उसके भी 28 आइसोलेट्स हैं। तो देर आर नंबर ऑफ पैथोजन, इनके अलावा भी ऐसे जो माइक्रो पैरासाइट्स हैं, पैथोजन्स हैं जो हमारी मशरूम को ट्रबल क्रिएट करते हैं, उनके भी फर्दर जैसे आप टाइप्स देख सकते हैं कि हाउ हाउ मच वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी इज देयर अमंग द डिफरेंट पैथोजन्स। आप दूसरी बात आती है कि जैसे हमारा जो मशरूम है और आपका जो अब बायोटिक फैक्टर्स हैं मशरूम है, वो किस तरीके से करते हैं, क्या है, जैसे आपका माइक्रो पैरासिटिज्म है, आपका फंगस जो है उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। कुछ पैथोजन ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे हमारी मशरूम को किल करने के लिए, किल कर देंगे। कुछ ऐसे कंपिटिटर मोल्ड्स हैं, कंपिटिटिव पैथोजन्स हैं, वो क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मशरूम के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और वो क्या होगा कि ड्यू टू आपका अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनफ स्पेस एंड न्यूट्रिशन, वो आपका जो है, आपका जो जो मेन जो होस्ट क्रॉप है दैट विल डाई। और जैसे आपका डायरेक्ट इन्फेस्टेशन एंड रोल एज वेक्टर, जैसे आपका जो फ्लाइज हैं, दूसरा जो इंसेक्ट्स हैं मशरूम है, वो डायरेक्ट अटैक करेंगे, बाइट उसको करेंगे, और उसका एज अ मीन्स वेक्टर फॉर वेरियस डिजीजेस एज अ वेक्टर रोल भी प्ले करेंगे। तो इस तरीके से वो इंट्रेक्शन रहती है। और ये आपका जो लंबा एक मैकेनिज्म होता है किस तरीके से माइक्रो पैरासिटिक इंट्रेक्शन होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें हमने नहीं जाना है। तो मेजर डिजीजेस एंड कंपिटिटर मोड्स, नाउ यू कैन सी हेयर ऑन योर कंप्यूटर स्लाइड दैट कितने ज़्यादा, कितने नंबर ऑफ डिजीजेज आर देयर। आपका फंगल डिजीजेज में आपका बैक्टीरियल डिजीजेज है, वायरल डिजीजेज है, कंपिटिटर मोल्ड है, उनका भी एक लंबा लिस्ट है। तो ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए और इनको आइडेंटिफाई करने में आप केपेबल होना चाहिए टाइमली, ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जो है अपना इसमें ले पाए, मैनेजमेंट मैनेज इन कंपिटिटर मोड्स और पैथोजन्स को कर पाए। तो अब इसके बाद जो है, हम जो मेन जो पैथोजन है, जैसे आपका हमने बोला कि जो फंगल डिजीजेज हैं दे आर मोर सीवियर एज कम्पेयर टू आपके जो अदर बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेज। तो बेड बबल डिजीज जो है, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर दिस मशरूम वाइट बटन मशरूम इज बीइंग कल्टिवेटेड। और बटन मशरूम के अलावा भी ये आपका, चाहे आपका ऑयस्टर है, चाहे आपका सिटाके है, इसको भी ये डिजीज जो है इन्फेक्ट करती है। बेड बबल डिजीज एक फंगल डिजीज है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म माइकोबोन परनिशियोसा है। और इसके सिम्टम कैसे आते हैं स्लाइड पे आप देख सकते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर सपोज इफ दिस डिजीज इज अपीयरिंग इन योर मशरूम हाउस, सो दैट यू शुड बी एबल टू टेल द एक्सपर्ट दैट इस तरीके का सिम्टम जो है हमारे मशरूम हाउस में पैदा हो रहा है, क्या है ये, थोड़ा आप जानकारी के लिए उनको फीडबैक दे सकते हैं। तो सिम्टम क्या है इसके, डिफॉर्म्ड फ्रूट बॉडी श्रिंक, और जो इन्फेक्टेड फ्रूट बॉडी है उससे छोटा छोटा ड्रॉपलेट ब्राउन कलर का निकलता है, बिकॉज ऑफ दोज ड्रॉपलेट, इन बूंदों की वजह से इसको जो है बेड बबल, ठीक है, गीला बबूला भी बोला जाता है, लड्डू भी इसको बोला जाता है, हरियाणा स्टेट में और यूपी वगैरह में इसको लड्डू भी बोला जाता है। क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पे फ्रूट बॉडी के अगर इन्फेक्ट करता है जब पीनहेड फॉर्मेशन होती है, तो इसका बिल्कुल राउंड शेप में, बिल्कुल जैसे केसिंग से बिल्कुल इन्फेक्टेड फ्रूट बॉडी आपके उसमें निकलेगी। और माइसिलियल स्टेज जो है एगेरिकस बाइस्पोरस का और दूसरी मशरूम्स का, इस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है। जब पिनहेड फॉर्मेशन होने लगता है तो ये फिर अटैक करता है। जनरल जो कंजीनियल एनवायरनमेंट इसके लिए क्या है, आपका अगर मान लो केसिंग सॉइल का पीएच जो है एसिडिक है,
और हाई ह्यूमिडिटी अगर आप प्रोवाइड करते हो, अनहाइजीनिक कंडीशंस भी अगर है वहाँ पे, बेटवेबल डिजीज का सपोज बीज इज अवेलेबल, देन आपके उसमें मशरूम हाउस में देर इज ए प्रोमिनेंट चांसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस डिजीज। और अभी एक और इम्पोर्टेंट डिजीज है जो ड्राई बबल लिसानी सीलिया फंजिकोला, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है बट बटन मशरूम है, इसके लिए एक मेजर होस्ट है। क्या टाइप का इसका सिम्टम होता है? जो कॉमन सिम्टम है, कॉमन सिम्टम फर्स्ट पिक्चर में आप देखो कि जो डेड स्पॉट है और संकन लेजन, ऐसा लगेगा कि जो जहां पे सिम्टम अपीयर हो रहे हैं डार्क ब्राउन कलर का, जैसे धस गया है। तो इस तरीके का रेयरली क्या होता है कि आपके बॉडी में ऐसा भी लगता है कि कई बार जैसे मुहासे टाइप बन गए, पिंपल टाइप फॉर्मेशन भी आपकी फूड बॉडी पे हो जाती है, और जो स्टाइप है उस पर क्रैकिंग जो है वो अपीयर हो जाती है। रीजन क्या है? अनस्ट्यूड इरीगेशन, अगर हम लोग क्रॉप को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, अटेंड नहीं करते, टाइमली मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, ड्राई स्पेल रहता है, और तो ये सब इसके लिए एक फेवरेबल एनवायरमेंट है। कोबैब डिजीज, कोबैब डिजीज भी एक आपका फंगल डिजीज है, लेडोवाट्रियम स्पीसीज से होता है। तो आपका इसके लिए जो मेजर होस्ट है वो आपका बटन मशरूम है और आपका एक ऑयस्टर मशरूम है, जिनको ये सीवियरली इन्फेक्ट करता है। अगर इस डिजीज को अगर आप अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो देन इट इज वेरी इजी टू मैनेज। आइडेंटिफाई कैसे करना है? सपोज जैसे आपका हेल्दी फूड बॉडी है, आपके यहाँ पे लगा है आपके बेड और उसमें मशरूम ग्रोइंग बेड, क्या होगा कि जो जो कोबैब डिजीज का जो माइसिनियम है आपके स्टाइप के बेस में, तने के उसके बेस में ऐसे बिल्कुल थोड़ा ऑफ वाइट कलर का माइसिलियम जो वहाँ रहेगा, वो आपका बिल्कुल वो कोबैब डिजीज जो कोबैब का जो फंगस है वो उसका माइसिलियम होता है। अगर उस चीज को अगर आप आइडेंटिफाई कर लो, ह्यूमिडिटी लेवल को करेक्ट कर लो, जितना प्रोडक्शन साइटिस ने बताया है उसके ज़्यादा मेंटेन आपने किया है, तो आप इसको बच सकते हो। आप ह्यूमिडिटी को थोड़ा डाउन करिए, जो जितना भी जो डिजायर रिक्वायर्ड लेवल है आपका एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तो आप इससे बच सकते हो। लेकिन अगर आपने उस स्टेज पे अगर इस चीज़ को इग्नोर किया कि नहीं कोई छोटा मोटा चीज़ है, तो लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, आपके ये जो माइसिलियम है ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद क्या होगा कि जब ये आपका पूरा किसिंग सॉइल से थोड़ा न्यूट्रिशन भी ले लेगा, मशरूम फूड बॉडी को भी कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा कि इसमें तो इसको भी थोड़ा सा क्या करेगा, अपने आप सर्वाइवल के लिए पिगमेंट्स कुछ प्रोड्यूस करता है, जिससे इसका माइसिलियम आपका क्या होगा, हो जाएगा पिंक इस कलर का, और बड़े सारे स्पोर प्रोड्यूस करता है, जैसे आप फर्स्ट पिक्चर ये सब ये देख सकते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल, मैनेज करने के लिए जब क्रॉप टर्मिनेट प्रॉपर फ्यूमिगेशन और करोगे तो इससे मैनेज आप इसको कर सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज पे प्रॉपर मॉनिटरिंग, कब इसका जो जाना जो है आपके किसिंग सॉइल के सरफेस पर अपीयर होता है, दैट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ा सा आपकी जस्ट नॉलेज कि किस तरीके से जो ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज है वो स्पाइसपोरस के माइसिलियम के साथ कैसे स्पाइसपोरस और आपका ट्राइकोडर्मा का माइसिलियम कॉन्टेक्ट में आता है, कॉन्टेक्ट में आने के बाद ट्राइकोडर्मा का माइसिलियम है कॉइलिंग कर देता है, इसके माइसिलियम के इर्द पूरा जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इस तरीके की कंडीशन होती, उसके बाद बड़े सारे एंजाइम प्रोड्यूस करता है लाइटिक एंजाइम और आपके मशरूम माइसिलियम को खा जाता है। तो इसलिए जो केसिंग का है जो कंडीशन है, ऑल कंडीशन शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर मशरूम क्रॉप। अगर जैसे और पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, कभी भी आप किसी सॉइल का जो पीएच है उसको एसिडिक आपने रखोगे तो अटैक बहुत करता है। ग्रीन मोल्ड, इसको ग्रीन मोल्ड इसलिए बोला जाता है ट्राइकोडर्मा को क्योंकि इसके जो स्पोर का कलर है वो ग्रीन होता है। शुरू में इसके माइसिलियम को आइडेंटिफाई करना, डिफ्रेंशिएट करना एगेरिकस बाइस्पोरस से थोड़ा कंपेटिवली मुश्किल होता है, लेटर ऑन जब इसके जो स्पोरेशन होती तब इसको ईजी होता है। और आपको मैंने बता दिया कि जैसे आपका एक तरीका कंपटीशन भी है, जैसे जो माइक्रो पैरासाइट हैं जो मशरूम से किस तरीके से आपका इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आपका जितने भी कंपटीटर मोल्ड हैं, चाहे आपका काइटोनियम है, पॉपुलोस्पोरा है,
आपका मैशिलियो पूरा है, जो नंबर ऑफ डिजीज हम लोग अभी स्लाइड में उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे आपका जब आपका स्पोरन हो रहा होता है, अगर मान लो वहाँ कोई बीमारी है, कॉम्पिटिटिव मोल्ड है, तो वहाँ छुपे रहेंगे वो अपना ग्रोथ। सर थोड़ा तेज बोल सकते हैं? सर थोड़ा तेज बोल सकते हैं? जी 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 ठीक है मैम, ठीक है। अगर मान लो जब कोई बीमारी का रोगाणु या कंपिटिटर मोल्ड अगर मान लो बैग में है आपके, और कंडीशंस आपने क्वालिटी आपके कंपोज की अच्छी नहीं है, केसिंग की अच्छी नहीं है, तो वो फैलता रहेगा, बिल्कुल हाई रेट पे फैलेगा, और जो आपका मशरूम का माइसिलियम है उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा वो। और जब मान लो कि अगर कुछ फेर बदल भी अगर आप करते हो, केसिंग का पीएच अगर चेंज करते हो लेटर ऑन, लेकिन जितना स्पेस उसने कंपिटिटर मोड में ऑक्यूपाई किया होता है वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाता है। स्पोरन फिर आपका पैचिस में होगा और केसिंग में भी आपका सिंक्रोनाइज यूनिफॉर्म जो उसकी क्रॉप है वो नहीं आएगी। ये एक कॉम्पिटिशन का मैकेनिज्म है किस तरीके से। और बड़ी सारी चीज ऐसे कंपिटिटर मोड्स हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे सपोज आयरन का रिक्वायरमेंट है, वो क्या करते हैं जैसे खासकर ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, दे आर वेरी एफिशिएंट कि वो आप जो जैसे आयरन उसको जो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में वो एफिशिएंट होती है और एब्जॉर्ब करने में भी। तो वो क्या करते हैं हमारे मशरूम को वो चीज़ जो न्यूट्रिशन जो है वो लेने नहीं देते हैं। तो ये तरीका है जैसे आपको बताने का कि किस तरीके से कंपिटिटर मोड जो है वो आपकी मशरूम के साथ कम्पीट करते हैं। ऑलिव ग्रीन कलर का जो एक मोल्ड आता है काइटोमियम, उसका फंगस होता है, जब क्रॉप में आपने स्पॉनिंग की होती है और स्पोरन हो रहा था, उसके काइटोमियम के बैक के सरफेस पे आपको क्या होगा कि वहाँ पे ऐसा लगेगा कि ऑलिविशियस ग्रीन कलर के बड़े बड़े धब्बे जो है उसमें बन चुके हैं, ठीक है। तो उससे आप इंडिकेशन ले सकते हो कि दिस इज ऑलिव ग्रीन मोल्ड। और ये सबसे इसका मेन रीजन क्या है, वो है आपका क्या है कि आपकी पास्चराइजेशन जो है बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है और आपके कंपोस्ट में मतलब कुछ भी सही नहीं है। सिंपली यू कैन ब्लेम द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन। अगर मान लो ऑलिव ग्रीन कलर का जो मोल्ड है आपके बैग में ड्यूरिंग स्पॉनन अपियर होता है, बैग से थोड़ा गंदे सी कलर मतलब गंदी सी स्मेल और स्मेल उसमें से आ सकती है, तो ये सारे इंडिकेशन है कि यहाँ पर ये चीज आ रही है। फॉल स्टफल बहुत कॉमन है, बहुत लोग इससे परेशान हो जाते हैं। फॉल स्टफल का रीजन क्या है, इसका भी फंगस डेलोमाइसिस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और होता कैसे, जब हम लोग कंपोस्ट जो है ओपन फील्ड में बना देते हैं, ओपन फील्ड में कहने का मतलब है कच्चे सरफेस पे, जैसे नीचे हम लोग अपना खेत में जहाँ आपने जुताई करी है वहीं पे सपोज हम लोग कंपोस्ट की पाइल बना के उसका जो है वो कंपोस्ट बनाने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लोअर सरफेस है उसमें आपका प्रॉपर टेम्परेचर नहीं रहता है, जैसे फेज वन में हम लोग 70 प्लस टेम्परेचर एक्सपेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें वो नहीं बन पाती हैं, ठीक है। और प्रॉपर उसका कंपोस्ट का लंबी विधि से जब खाद बनती होती है तो आपका कंडीशनिंग भी अच्छी नहीं होती है, तो लंबी विधि वाले खाद में अगर अच्छे से नहीं बनी तो भी फॉल स्टफल ज़्यादा आता है। अगर मान लो कि संभव ठीक है आपका कंपोस्ट प्रिपरेशन का प्रोसेस है, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम इज देयर। जब आपने स्पॉनिंग कर दी, स्पॉनिंग करने के बाद ड्यूरिंग स्पॉरन इफ टेम्परेचर इज गोइंग अबव 27 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस, हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो स्पॉरन के टाइम में होना चाहिए इट शुड बी बिटवीन 24 to 25, लेकिन इन केस इफ इट इज एक्सीडिंग, इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट, उससे ऊपर अगर जाता है 30 प्लस डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो देन डेलोमाइसिस का जो स्पोर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कंडीशन बैग की क्या होगी आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे ऐसे डिफॉर्म्ड वैसे फंगल फूड बॉडीज आपको केसिंग पे, और अगर मान लो कंपोज की क्वालिटी बहुत पुअर है तो खाद के अंदर भी आपको ये चीजें दिखने लग जाएंगी। बाहर तो छोटा छोटा फूड बॉडी है, इसके अंदर खाद और इसके अंदर भी इसका बड़ा मास जो है छुपा रहता है, ठीक है। तो ये सारी है, सिंपल सा है मैनेज करने में, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। कंपोस्ट का प्रोसेस आप चेक करिए बढ़िया से, उसको सीमेंटेड सरफेस पे बना होना चाहिए, कवर्ड रूप उसमें होना चाहिए, स्पोरन का टेम्परेचर इट शुड बी ऑप्टिमम, और समहाउ अगर अपीयर हो रहा है तो आपका जो ट्रफल है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, जब आपका ये जो यहाँ देखो पिक्चर में पीला पड़ गया, पीला बनने का एक
इंडिकेशन कि इसमें स्पोरुलेशन हो गई है, नाउ द सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुका है, ठीक है। तो इसको आपने एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रफल को निकालना है। इफ इट इज रिक्वायर्ड देन आप थोड़ा सा 0.05 से लेके 0.1% फॉर्मलिन का भी जहां जहां से आपने ट्रफल निकाला वहां डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा अगर आपने वेट किया तो देन आपको बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो सकता है। ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, ब्राउन प्लास्टर मोल्ड भी एक कंप्यूटर मोल्ड है, लेकिन आता कैसे है, हमारी कमी से। पॉपुलोस्पोरा इसका रीजन है। कैसे आता है, पहले तो मैट बना देता है पूरा व्हाइट कलर का, और उसके बाद जब स्पोरुलेशन होती है ब्राउन कलर का, तो ऐसा लगता है जैसे प्लास्टर, कई बार जैसे फ्रैक्चर ये सब प्लास्टर लगता है, उस तरीके का बैक को पूरा कवर कर देता है। हम क्या कमजोरी की क्या कारण रहता है कि इसके अपीयरेंस का, जब हमारी कंपोज जो है बहुत ग्रीसी होती है और इसका वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, ये दीज आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन प्लास्टर मोल्ड। और क्यों ग्रीसी रहती है, जब हम लोग जिप्सम जैसे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर बोला जाता है 75-80 केजी पर टन जो है आपको जिप्सम डालना है, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसमें से आधा ही उसमें डाला तो देन 101% योर कंपोज विल बी ग्रीसी, और वो जो कंडीशन है पॉपुलोस्पोरा का डेवलपमेंट के लिए वो ज्यादा है। ये कंपोज में तो आता है, केसिंग सरफेस पे भी आता है। अगर केसिंग मटेरियल का लीचिंग इफ इट इज नॉट प्रॉपर, देन आपका वो उसमें कॉम्पैक्टनेस रहेगी, केसिंग का जो मटेरियल है उसमें एग्रीगेशन होगी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहेगा, सीलिंग हो जाती है, तो देन इनके लिए एक कंजीनियल एनवायरमेंट वो बन जाता है, और ये बीमारियां जो है कंप्यूटर मोड उसमें आने लगते हैं। सिंपल सा है, आप जिप्सम की क्वांटिटी के साथ कंप्रोमाइज ना करें। येलो मोल्ड, येलो मोल्ड सिंपली हम लोग इसको बोलेंगे जो लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग का जो प्रोसीजर है और कच्ची फील्ड में आपने बनाया है और बढ़िया से उसकी कंडीशनिंग रही है। सर केसिंग जिप्सम का यूज करना चाहिए क्या? वैसे नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कई लोग करते हैं, लेकिन अभी जो यहां से जो आपको सीख के जा रहे हो, आपने यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली अडियर टू द रिकमेंडेशन ऑफ अवर प्रोडक्शन साइंटिस्ट। जो बटन मशरूम का आपका लेक्चर हुआ, आपने वही चीजें जो है इसमें करना है, जो फॉर्मूला है ना वो चीज आपने पूरा अडॉप्ट करना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे कई लोग इसमें जिप्सम भी डालते हैं, चूना भी डालते हैं, लेकिन वो तभी होता है कि अगर आपका जो मटेरियल है वो सही क्वालिटी का नहीं है, आपने पीएच कम ज्यादा करना है, ओनली इन दैट कंडीशन उसकी जरूरत होती है। अदरवाइज जो आपको यहाँ से जो मिलेगा उसमें जरूरत नहीं होती है जल्दी, ठीक है जी। तो येलो मोल्ड का भी सबसे बड़ा रीजन है इसके फैलने का कि हम लोग लंबी विधि से जो खाद बनाते हैं वो अच्छे से हम लोगों को अनुभव उसका नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो लंबी विधि से अच्छी खाद बना सकते हैं, इसलिए इसके जब भी आप इस तरीके की प्लानिंग करें, लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को यूज करने का अगर आपका विचार बने, तो पहले आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, आप अपने आप कोई गाइडेंस साथ में रखें ताकि आप इसमें क्लियर आपको फेस ना हो। सिम्टम येलो मोल्ड का, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं एंड जो लोग प्लेन एरिया खासकर जैसे आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ दिल्ली, इनसे बिलोंग करते हैं, उन एरियाज में ये बहुत ज्यादा फैल चुका है। कारण वही है कि लोग लंबी दिन से खाद बनाते हैं और अच्छी तरह से जो है उनको बनाने नहीं आती है, प्रॉपर उसका कंडीशनिंग नहीं होता, तो ओनली देन इस तरीके का जो बीमारियां हैं वो अपीयर होती हैं। और दिस इज आल्सो ए कॉम्पिटिटर मोल्ड, अगर आप इसका सही फार्मूला सही तरीके से यूज करेंगे तो आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। सेपोडोनियम, सेपोडोनियम एक फंगस है, ये भी टिक्की मोल्ड है, जैसे येलो मोल्ड की तरह टिक्कियां इसमें बन जाती हैं, लेकिन वो टिक्कियां स्पॉन्जी होती हैं। कारण क्या है, जब हम लोग चिकन मैन्योर इस्तेमाल करते हैं तब सेपोडोनियम आता है। चिकन मैन्योर जब आप एज नाइट्रोजन सोर्स अपनी खाद में इस्तेमाल करते हैं, देन चांसेस आर देयर, बिल्कुल फुल चांसेस आर देयर कि सेपोडोनियम में अपियर इन योर आपके जो आपका ग्रोइंग बैग है। लेकिन सेपोडोनियम को मारने के लिए अगर हम लोग प्रॉपर, जैसे अगर आप शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर कंडीशनिंग कंपोस्ट की करते हैं, तो देन ये नहीं आता है, क्योंकि सेपोडोनियम चिकन मैन्योर में ऐसे भी पाया जाता है। अगर ऐसे ही चिकन मैन्योर के एनालिसिस की जाए
तो सेप्टोनियम जो है उसमें डिटेक्ट हो जाता है, वो आप उसकी कॉलोनीज जो है वो ग्रो हो जाती है मीडिया, ठीक है। तो चिकन मैन्योर जब लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इस्तेमाल करना है तो काइंडली चिकन मैन्योर को एज ए नाइट्रोजन सोर्स ना डालें। तो दूसरे सोर्सेज है नाइट्रोजन का, जैसे आपका बीट ब्रान है, कॉटन सीड केक है, अदर सोर्सेज आर अवेलेबल कमर्शियली आल्सो, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक कैप भी जो खासकर जो बिगनर्स हैं वो बड़े इससे घबराते हैं, क्योंकि होता है इंक कैप का कारण क्या है, पॉपराइनस है, फंगस है, और इसकी जो क्या है जब ये अपीयर होता है तो इसकी पिन हेड बिल्कुल आपका बटन मशरूम की बात करें तो बटन मशरूम से पहले अपीयर हो जाते हैं पिन हेड, बिल्कुल साफ वाइट कलर का होता है, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा ग्रो करेंगे तो लंबी स्टाइप वाला, लंबे तने वाला और छोटी कैप वाला जो फ्रूट बॉडी आप इधर देख रहे हैं इस तरीके से अपीयर हो जाता है। कारण क्या है, जब हम लोग खाद बनाते हैं तो खाद बनाने में जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी क्या बोलने का मतलब है कि जैसे जो प्री वेटिंग पीरियड है आपका 2-4-5 दिन, प्रॉपर वेटिंग शुड बी देयर, तभी आपका वो स्ट्रॉ जो है वाटर अब्जॉर्ब करेगा, आपका फर्दर जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो एक स्मूथ वे में चलेगा। लेकिन अगर वाटर ज्यादा उसमें डाल रहे हैं, ठीक है, जल्दी मान लो कि 5 दिन अगर वेटिंग में लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, हम लोग 1-2 दिन में निकाल दे रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि पानी ज्यादा डालने से क्या होगा कि आपका कॉम्पैक्टनेस उसमें कंपोस्ट में ज्यादा होगी, जब कॉम्पैक्टनेस होगी तो देन प्रॉब्लम विल बी देयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। जब कंडीशनिंग आप कंपोस्ट की करोगे तो उसमें क्या होगा, अमोनिया ट्रैप हो जाएगा, कुछ सेक्शन में कंपोस्ट के अमोनिया रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जब आप स्पॉनिंग करोगे तो वो स्पॉन जो मशरूम का माइसीलियम है उसको अच्छे से फैलने नहीं देगा। आई बात समझ में, दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी कॉमन मीन्स प्रॉब्लम इन स्पेशली इन वटन, आपका इवन योर मिल्की मशरूम, इवन ऑयस्टर के केस में, बटन के केस में, सब में कॉमन है। इसलिए नाइट्रोजन सोर्स का क्वांटिटी भी अच्छे से डालिए, ज्यादा डालोगे तो भी ये चीजें आपको फेस करने को मिल सकती है। और बहुत कॉमन कंटेमिनेंट्स, इनको आप जनरली इग्नोर भी कर सकते हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, लिपस्टिक मोल्ड, इस तरीके का कलर का भी आपको मोल्ड देखने को मिल जाता है, एस्कोमाइसिस और सैक फंजाई, पेजिजा कप से फंजाई भी आपके में आ जाए, खासकर ये आपका इसमें रेनी सीजन में बरसात के टाइम में आ जाते हैं, और एक्सेस ह्यूमिडिटी की वजह से चीजें जो आप ये होती हैं, जैसे आपकी नॉलेज के लिए। अब इम्पोर्टेंट चीज है बैक्टीरियल ब्लॉच, बैक्टीरियल ब्लॉच में सबसे कॉमन बैक्टीरियल पैथोजन है वो है आपका सुडोमोनास टॉलेसाई। सुडोमोनास टॉलेसाई आपका कोई भी, चाहे आपका सीटाके है, आपका ऑयस्टर है, चाहे आपका बटन मशरूम है, सबको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। क्या करेगा, जब हम लोग सपोज इरीगेशन करते हैं, वाटरिंग करते हैं मशरूम में, तो क्या है, अगर सपोज वाटर ड्रॉपलेट्स अगर वहाँ पे स्टे करती है फॉर फ्यू आवर्स, लाइक आवर 3-5 आवर्स आपकी फूड बॉडी के सरफेस पे, इस तरीके का पीला पीला जो है वो हो जाती है। पीला इसलिए होता है कि जो सुडोमोनास टॉलेसाई है, और टॉलेसिन एक टॉक्सिन विष प्रोड्यूस करता है जो जिसके कारण जो है आपका ये पीला पड़ जाता है। ऑयस्टर मशरूम के केस में जैसे आपका जैसे सपोज फ्लोरिडा आप ग्रो कर रहे हैं, फ्लोरिडा आपका पीला पन्ना शुरू हो जाएगा, पीला कलर उसमें आ जाएगा। कई बार क्या होता है, नॉलेज नहीं होती है अच्छी, तो कई बार लोग क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड फूड बॉडीज हैं, सपोज पेल येलो, बिल्कुल हल्का लाइट कलर का, वो ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ सुडोमोनास टॉलेसाई आपकी फूड बॉडी हो चुकी है, आप उन्हीं फूड बॉडीज को लेके बढ़िया एक अट्रैक्टिव पैकिंग में उसको पैक कर देते हैं। लेकिन यू नो व्हाट हैपन आफ्टर दैट, वो जब पैकिंग में आप डालते हो तो उसमें बिल्कुल स्लाइमी चिपचिपा वो सारा चीज होते हैं, दैट इज ड्यू टू आपका जो इन्फेक्शन जब एडवांस उस स्टेज में जाता है तो एक कंडीशन आ जाती है। इसलिए हेल्दी फूड बॉडी हार्वेस्ट करना अच्छा है आपके, टू हैव इज गुड मार्केट, और आपका जो आप जब मार्केट को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उनको अच्छा प्रोड्यूस देना भी जरूरी है। तो येलोइंग क्रैकिंग हो जाती है लेटर स्टेजेस पे, टाइप पे, कारण मैंने बोला जब ह्यूमिडिटी एक्सेस होती है, और जब हम लोग वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग करने के बाद पानी उस पर ठहर जाता है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, एयर सर्कुलेट करोगे, फ्रेश एयर दोगे, पानी को सरफेस से फ्रूट बॉडी के सुखा दोगे, तो देन बैक्टीरियल कंटेमिनेशन विल नॉट कम। तो इस चीज के लिए करने के लिए, और दूसरा है आप मैनेज करने के लिए इसको,
कैल्शियम क्लोराइड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, ब्लीचिंग पाउडर 1 to 2 ग्राम पर लीटर वाटर में भी स्प्रे कर सकते हो फ्रूट बॉडी पे। उससे ट्रीट करने से आपकी फ्रूट बॉडी विल लुक मोर वाइट एंड मोर अट्रैक्टिव और येलो कलर जो है गायब हो जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ स्पॉन, स्पॉन के केस में भी बैक्टीरियल डिजीज आ जाती है। बैसिलस इसमें मेन कंटेमिनेंट होता है। और आपका इसमें क्या है कि जैसे जब आप स्पॉन मास्टर स्पॉन सपोज आपने बनाया है तो जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो क्या करेगा, ऐसे लगेगा कि उसमें लाइट ग्रीन कलर का जो है इसमें आपने कोई लिक्विड इसमें बॉटल्स में डाल दिया है, ठीक है, और उसमें से खट्टी स्मेल भी आने लगती है। सपोज 5-6 बॉटल सपोज इन्फेक्टेड है बैसिलस से, तो वो सारा आपको स्मेल उससे आने लगेगी। उस लॉट को जो है आप डिस्कार्ड कर सकते हो, और अगर परचेज कर रहे हो तो उसको रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज देयर विल बी चांसेस और 101% चांसेस जो है बैसिलस का इन्फेक्शन रहेगा। मैनेज कैसे करने के लिए सिंपल है, हेल्थी ग्रेन इस्तेमाल करो। अगर थोड़ा डाउट है क्वालिटी की उस पर ग्रेन के, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर से 1 to 3 ग्राम वाटर उससे आप वॉश कर लो। वॉश करने के बाद उन्हीं ग्रेन को प्लेन वाटर से वॉश करके फर्दर ऑटो क्लीनिंग के लिए स्पॉन प्रिपरेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं आएगी। मैनेजमेंट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। वायरल डिजीजेज भी है मशरूम में। वायरस क्या करता है कि आपका जो मशरूम है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। कलर चेंज जनरली ये करता है कि जैसे आपके व्हाइट कलर का मशरूम है ब्राउन कलर का कर देगा। टेक्सचर आपका जैसे डेलिकेट और बहुत सॉफ्ट होता है मशरूम, तो ये उसको क्या करेगा, उसको थोड़ा लेदरी बना देगा, है ना, और फूड बॉडी जो है जल्दी ओपन होने लगती है, पाइलेट जल्दी खुल जाता है, पाइलेट स्टिल्टेड फॉर्म में भी हो जाता है। तो इस तरीके से एक कॉमन सिम्टम है वायरल डिजीजेस के। इसीलिए आपको हमेशा ही जो स्पॉन है उस सर्टिफाइड सोर्स से जहाँ आप ट्रस्ट करते हैं वहीं से आप स्पॉन लीजिए, क्योंकि मेन सोर्स जो है वो आपका इन्फेक्टेड स्पॉन है। तो ये सारी चीज़ें, और दूसरा है कि अगर वायरल डिजीज अगर कन्फर्म हो जाए तो आपको जो वायरल डिजीज के फैक्टर्स हैं, फ्लाइज हैं, अदर माइट, ये सब उनको भी थोड़ा क्लियर करने की जरूरत होती है, मैनेज करने की आवश्यकता होती है सब। और ये सब सिम्टम्स आप देख सकते हैं वायरल डिजीजेज के और डिसऑर्डर्स का, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। डिफॉर्म फ्रूट बॉडीज, आपका जल्दी ओपनिंग इसकी हो जाती है, आपका ब्राउनिंग मैंने बोला, माल फॉर्मेशन बिल्कुल डिफॉर्म फ्रूट बॉडीज, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको। और जो ब्राउन कलर की स्टेन है और एगेरिकस बाइस्टॉर्किस जैसे एगेरिकस का भी है, उसके लिए रेजिस्टेंट है। और दूसरा एक एंटीवाइसिस वाला ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, कि जो आपका जो पैथोजन है वो भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं टू किल जो आपका जो मेन होस्ट है उसको मारने के लिए। अब बात करते हैं जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट है, इंसेक्ट माइट निमेटोड, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें दो टाइप का फ्लाइज होती है मशरूम में। पहला है आपका सियारिड। सियारिड में क्या कैसे पहचानोगे, एक आपका फोरिड है और एक आपका सियारिड है। सियारिड का जो आपका जो हेड है ब्लैक कलर का बिल्कुल होगा, बिल्कुल, है ना, ठीक है। और जब वो क्या करता है कि जब आपका जब मूव करता है, सपोज केसिंग या आपको कहीं दिख रहा है कंपोस्ट पे, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो एक बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट हो देगा ऐसे। और जो आपका फोरिड है, फोरिड का सपोज जैसे इंसेक्ट के 3 मेन पार्ट होते हैं, हेड, बीच वाला थोरेक्स, देन एब्डोमन। जो थोरेक्स है, थोरेक्स जो इसका हिस्सा है वो बिल्कुल काले रंग का और थोड़ा प्रोमिनेंट होता है आपका सियारिड। तो इसका जो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जब ये मूव करता है तो बड़ा जर्की ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करके इसकी मूवमेंट रहती है। और ये दोनों ही आपके चाहे आपका क्या बोलते हैं आपका स्पॉरन की स्टेज में आपकी क्रॉप हो, केसरन की स्टेज में क्रॉप हो, दोनों को जो है बर्बाद करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये मतलब आपका जो पेस्ट है मतलब कौन सा है, ये भी एक चीज है। दूसरी बात यह आती है कि ये एंट्री कहाँ से लेते हैं। एंट्री इनका ऐसा है कि अगर आपके जो मशरूम ग्रोइंग फैसिलिटी है, अगर इंसेक्ट ग्रोपिंग उसकी है, उसमें कोई एंट्री ऐसी नहीं है, वर्कर्स का मूवमेंट अच्छा रहता है, कोई ऐसा नहीं है, और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आप वॉल्स और मतलब उसमें रूम में जैसे क्रॉप टर्मिनेट होती है, सराउंडिंग में भी साफ सफाई रखते हैं, तो इनको आना आप पॉसिबल नहीं होता आपके मशरूम हाउस में। ट्रैप आप इस्तेमाल करिए, ब्लू लाइट ट्रैप आप 5-6 फीट की हाइट पे रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अडल्ट हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इनका
लाइफ साइकिल टूट जाती है, मर जाते हैं और आपका फर्दर इनको जो है आप इनसे इनको मैनेज कर पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करोगे देन दे कैन कॉज सीवियर इकोनॉमिक लॉसेस इन योर मशरूम हाउस। और ये भी सेसिड्स भी होते हैं, जैसे चिक्कू जैसा एक इंसेक्ट, और ये भी आपके इसका फूड बॉडीज की क्वालिटी को आपको मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी है। कोई भी ब्लेमिश हो आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए, आपको उसे पूछिए कि ये क्या चीज़ हो सकता है। हर चीज़ बीमारी नहीं है, इंसेक्ट भी कई बार जो है उनकी डैमेज भी आपको ऐसे लगता है कि ये बीमारी है। स्प्रिंग टेल्स इस तरीके का भी आपका, जैसे आपका किंग ऑयस्टर है आपका, चाहे मिल्की मशरूम है, इनमें भी ये बड़ा काफ़ी दिक्कत करता है। तो इसलिए साफ सफाई हाइजीनिक कंडीशन जो है दैट इज पोर फॉर मशरूम कल्टीवेशन। माइट का भी है, माइट का भी ये सारे आप आपकी जो फूड बॉडी है जैसे बटन मशरूम के, इसका पीला पीला येलो कलर का, क्योंकि ग्रुप में फीड करते हैं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे आपका स्पॉट्स में वो आपको बिल्कुल दिख सकते हैं, आप उनको चेक भी कर सकते हैं, लें हैंड लेंस हो इवन इन नेक टाई आप थोड़ा सा उसको चेक करके देख सकते हैं कि ये माइट है कि नहीं। जो आपका कंपोस्ट प्रेपरेशन का एरिया होता है उसके रूप में या सराउंड वॉल्स के ऊपर भी माइट का जो आपका जो नेट है ये सब जो इसके फीड कर मतलब ग्रुप जो ग्रुप में जैसे रहते हैं तो इनको आप देख सकते हो और इनको मैनेज कर सकते हो। जैसे कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड वॉल्स पे जब आपका क्रॉप नहीं होती है तो इनको आप किल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इनको। निमेटोज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या हम लोग बोलते हैं कि खाद भी हम लोगों ने बढ़िया बनाई, केसिंग भी बढ़िया बनाई, सडनली यू नो व्हाट हैपेंड कि आपका जो केसिंग और कंपोस्ट का कॉन्टैक्ट उसमें से छूटने लगता है, अलग अलग होने लगते हैं, पिनहेड और आपका केसिंग सरफेस वो ड्राई होने लगता है, कंपोस्ट और केसिंग का जो नेटवर्क है वो टूट जाता है, तो वो आपका नेमेटोड है। जैसे आपका माइसिलो जो फैगस टिटैलिंकस है, इस तरीके के जो नेमेटोड है वो क्या करते हैं मॉइस्चर फिल्म में रहते हैं, जैसे केसिंग सरफेस के नीचे सारे चीज है तो वहाँ वो छुपे रहते हैं और पूरा माइसिलियम को खाते रहते हैं और पूरा नेटवर्क उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हम लोगों को जो है क्रॉप नहीं मिलती है। और अगर लेट स्टेजेस पे थोड़ा ये अटैक करें तो आपका जितना पिनहेड बना है उतना ही रहता है, और क्योंकि मॉइस्चर फिल्म में रहते हैं कई जगह आपको फूड बॉडी मिलेगी कई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उसके लिए सिंपल है, वाटर की क्वालिटी को आप चेक करिए, जैसे अगर हो तो जैसे इसमें भी थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर आप उसमें मिला सकते हैं तो और उसको ट्रीट करने के लिए। केसिंग क्वालिटी प्रॉपर पाश्चराइजेशन इसका आप करिए तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। कंपोस्ट का क्वालिटी भी इसके लिए अच्छा होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो अबायोटिक स्टेसिस है। अबायोटिक स्टेसिस से मतलब है जो आपका क्लाइमेटिक वेदर पैरामीटर्स हैं, जैसे आपका एयर है उसकी क्या क्वालिटी है और आपका अदर पैरामीटर्स, जैसे लेट स्टार्ट विद आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों ने प्रोडक्शन साइटिस को सुना होगा कि भाई ड्यूरिंग स्पॉरन जो है आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो उसको कंज्यूम करता है, जो फंगस है वो कंज्यूम करेगा उसको, ठीक है। और जब CO2 की कंसंट्रेशन स्पॉरन में हाई है अच्छा स्पॉरन, लेकिन सपोज अगर ड्यूरिंग फ्रूटिंग अगर CO2 कंसंट्रेशन इफ इज हाई तो क्या होगा कि जो स्टाइप लेंथ है फूड बॉडी का बहुत लंबा हो जाएगा, स्टाइप लेंथ लंबा हो जाएगा और जो पाइलस है वो स्टाइप को छोड़ देगा और आपकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसकी कोई डिमांड नहीं होती आपकी, जैसे मार्केट में उसको प्रेफर नहीं करते लोग, चाहे आपका बटन मशरूम हो, ऑयस्टर के केस में ऐसे नीडल्स की तरह फूड बॉडी हो जाती है CO2 कंसंट्रेशन अगर हाई हो। तो आपको मैनेज करने के लिए सिंपल सा है, एरेशन इज रिक्वायर्ड, टाइम टू टाइम एरेशन आप क्रॉप को प्रोवाइड करो, आपका ये दिक्कत जो है नहीं होगी। स्ट्रोमा फॉर्मेशन, इसको जो जनरली जो है आपका क्या होता है कि जब केसिंग आपने करी होती है, केसिंग करने के बाद क्या होता है कई बार अगर मान लो स्पॉन का क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि एक फंगल मास जैसे उसका एगेरिकस बाइस्पोरस का ऐसे बड़ा बड़ा सा उसके ऊपर फंगल मास कंपोस्ट पे भी और केसिंग पे भी अपियर हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है आप इसलिए बोला जाता है कि जो स्पॉन की क्वालिटी है वो आपका अच्छा होना चाहिए और एक फ्रेश होना चाहिए जितना हो सके। एक और चीज़ देखो, अगर सपोज अगर हम लोग जैसे 90% जो मशरूम है वो आपका पानी है,
सपोज अगर इसमें पानी तो है, अगर हम लोग पानी जानबूझ के इसको पानी नहीं दे रहे, सभी जैसे मैं बात जैसे बात करी थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, पुअर जो केसिंग सॉइल है वो आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर है, तो क्या होगा कि जो आपका जो स्टाइप है, स्टाइप के बीच का जो सरफेस है वो ड्राई हो जाता है, पाइप की तरह हो जाएगा। इसीलिए जो केसिंग, जो आपका जो पानी का जो महत्व है, केसिंग का जो आपको प्रॉपर वाटरिंग करनी है, इसीलिए जरूरी होता है। नहीं तो आपका जो इसका मॉइस्चर लॉस बिल्कुल, आपकी फूड बॉडी बहुत हल्की होगी और प्रॉपर उसका आपको मार्केट प्राइस उसका नहीं मिलेगा। स्केल क्रोकोडाइल इस तरीके की अपीयरेंस भी होती है। जब आप ह्यूमिडिटी आप कम रखोगे मशरूम हाउस में, सपोज आप फ्रेश एयर बड़ी हाई स्पीड पे दे रहे हो, वेंटिलेटर पूरा ओपन कर दिया, तो आपकी मशरूम की फ्रूट बॉडी बिल्कुल स्केली हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे उसकी पपरियां पपरियां से लेयर लेयर ऊपर को निकलने लगी हैं। और अगर मान लो हाई स्पीड पे फ्रेश एयर देते हो तो भी वो इंजुरी आपकी फ्रूट बॉडी को कर सकता है, वो ब्राउन कलर का अपीयरेंस जो है वो दे सकता है आपकी मशरूम जो इस इन ये जो पैरामीटर्स है इनका भी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, कितना क्या करना है। मांस पीने का भी एक प्रॉब्लम रहती है, सपोज अगर हम लोगों को स्ट्रेन का बिहेवियर पता नहीं है कि कितना परसेंट केसरन होना चाहिए जब हम लोगों को फ्रेश एयर देनी है, टेम्परेचर डाउन करना है, जब आपका स्पोरन हो जाता है, स्पोरन के बाद हम लोग उस पर केसिंग डाल देते हैं, केसिंग डालने के बाद सपोज अगर हम लोगों को पता नहीं है कि इसका 40%, 50%, 90% अगर हमने केस रन करना है, हम अपने से जैसे केसिंग डाली, आपने उसको फ्रेश एयर दे दी और टेम्परेचर डाउन कर दिया। फ्रेश एयर का ऑक्सीजन की आवश्यकता इसलिए होती है, जैसे मैंने बोला स्पोरन में बड़ा CO2 हाई कंसंट्रेशन में इज रिक्वायर्ड, और जब आपने फ्रूटिंग लेनी है तो CO2 की कंसंट्रेशन को डाउन करते हैं। कैसे करते हैं? ऑक्सीजन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जब ऑक्सीजन आपकी क्रॉप को मिलेगा तो देन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पिनहेड, वो फ्रूट बॉडी प्रोड्यूस करना लगेगा। तो प्रोड्यूस कहाँ करेगा? जहाँ आपका माइसिलियम होगा। माइसिलियम कहाँ है? केसिंग के नीचे, तो वहीं छोटे छोटे पिनहेड बनेंगे, ब्राउन होके वो सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, आपकी फ्रूट बॉडी नहीं बनेगी। इसलिए जो प्रोडक्शन साइंटिस्ट ने बोला है किस लेवल पे आपका जो स्पोरन केसरन होना चाहिए जब आपको टेम्परेचर डाउन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इस तरीके के आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। रोज कॉम कई बार कैसे होता है कि आपका जाली की तरह हो जाता है आपका जो फूड बॉडी है, वो तो कैसे होता है कि अगर आप एक्सेस जैसे फ्यूमिगेशन की बात करते हैं, आपने क्या किया कि एक तो क्रॉप टर्मिनेट होने के बाद आपने फ्यूमिगेशन करी 2% फॉर्मलिन से, दूसरा सपोज अगर कोई प्रॉब्लम है फिर आप फ्यूमिगेशन बार बार करे जा रहे क्रॉपिंग के टाइम में भी, तो फ्यूमिगेट से भी इंजुरी होती है, तो इस तरीके का अपीयरेंस जो है आपकी फूड बॉडी में आता है। विप पर श्रिंकस लिखकर बड़े रेयर है, जब अगर आपका जो स्पोरन हो जाता है और उसके बाद सपोज आप थोड़ा हाई टेम्परेचर का केसिंग अगर डाल देते हैं और इम्बेलेंस रहता है आपका कंपोस्ट और केसिंग में, तो टेम्परेचर में तो क्या होगा कि केसिंग जो फूड बॉडी जो बनेगी प्री फ्लश में, उसमें से ड्रॉपलेट जैसे पानी पानी उससे निकल आता है, तो ये जैसे एक डिसऑर्डर्स का आपके लिए। स्ट्रेस कंडीशन में कैसे बचे हैं, जैसे आपका अगर मान लो कि स्ट्रेन अच्छी है, आपने सही जगह से ली है, जो स्ट्रेन जिसमें ताकत है बीमारियों को, कॉम्पिटिटिव मोड्स को, बायोटिक स्ट्रेसिस को टॉलरेट करने की, तो वो टॉलरेट कर लेंगी और सर्वाइव करेंगी आपके मशरूम हाउस में। अगर ससेप्टिबल है बीमारी उसको आसानी से लग जाती है तो उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा भी है जैसे अवॉइडेंस का, जैसे ऐसी भी वेराइटीज होती हैं जो ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं जो आपका इंसेक्ट पेस्ट है उसको दूर भगाती हैं और वो सर्वाइव करके रहती हैं। तो दीज आर द कॉमन तरीका कि किस तरीके से मशरूम जो है सर्वाइव करती हैं। तो इसको और जो मैनेजमेंट का था, मैनेजमेंट का आप थोड़ा अब ध्यान से सुनो, क्योंकि होपली आप सब लोग जो है मैक्सिमम जो है आप लोगों में नए लोग होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनाया कि आपको हर डिजीज़ के बाद एक मैनेजमेंट का, हर डिजीज़ के बाद कुछ ऐसी चीज़। तो एक कॉमन स्ट्रेटजीज आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप इनको बायोटिक स्ट्रेसिस को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहली बात ये कि जब भी मशरूम कल्टिवेशन आपने कर ली है तो पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, किस स्टेज पे आपने क्या करना है, हर स्टेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कि एक और भी पते की बात है, हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल पेस्टिसाइड नहीं है, जैसे दूसरी क्रॉप होती है ना उनके
उनको स्प्रे करने के लिए सपोज बीमारी आई, कोई आलू में कोई सड़न पैदा हो रही है, पत्ता कुछ जल रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ पेस्टिसाइड जाते हैं। मशरूम कल्टीवेशन में कुछ गिने चुने पेस्टिसाइड हैं जो बचे हुए हैं, जैसे आपका क्लोरोडेनामिल है और एक कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, है ना, फॉर्मालिन है। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ ज्यादा चारा नहीं है, वेबस्टीन को भी रिसेंटली उन्होंने बैन कर दिया है। हो सकता है कि मार्केट में थोड़े टाइम तक ये मिलता रहे, लेकिन फिर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, जैसे आपका बेसिलस, इस कुछ स्पीसीज हैं, एलकैलिजन है, इनके कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और फास्फोरस ऑर्गेनाइजिंग बैक्टीरिया के कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में कमर्शियल। जब आप केसिंग करते हो तो उनके ऊपर आप उनको मिला सकते हो, उनके अच्छे रिजल्ट आपको देना अच्छा हो जाता है, क्योंकि हायर यील्ड लेने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो कहाँ कर सकते हो, आइदर कंपोस्ट में या केसिंग के ऊपर। ये छोटी सी लिस्ट है जो हमारे पास कॉमन पेस्टिसाइड हैं। इनमें से भी आपको पता है कि कार्बन थायोप्रिनिट मिथाइल, ये सारी चीजें, स्पोरोगोन जो आपका क्लोरोरास मैंगनीज है, उसका अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं है, तो बड़े सारे इसमें से बंद हो गए। हमारे पास जैसे क्लोरोथेनिल है, इमाजालिल टू सम एक्सटेंट, इसको भी अभी हम लोग नहीं देते हैं, सोडियम क्लोराइड और क्लोरोथेनिल है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मालिन, जो हम लोग एक केमिकल जो है इसमें यूज कर सकते हैं। फर्दर मैनेजमेंट के लिए क्या चारा है, कैसे हम लोग, क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए चाहे आपका डिजीज है, इंसेक्ट पेस्ट है, उसका सोर्स पता होना चाहिए, कहाँ से चीज आ रही है। स्पेंट मशरूम सब्सीड, जो हमारी बची कुछ जो खाद होती है जब हमने क्रॉप ले ली, अगर सपोज इफ वी डोंट हैव एनी आइडिया कि इसका करना क्या है, वेदर इसको हम लोगों ने पीट में डालना है, एक साल के बाद इस्तेमाल करना है, इसमें बायो डिकम्पोजर यूज करके इसको हमने अपने फील्ड में डाल लेना है, ठीक है। तो स्पेंट मशरूम सब्सीड में ये आपको इसका जो है प्रॉपर डिस्पोज ऑफ इसको कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। सब्सट्रेट की क्वालिटी शुड बी एक्सीलेंट, कोई ऐसा ना हो कि उसमें सड़न, जैसे आपका बीट स्ट्रॉ यूज कर रहे हो, आपका पेडी स्ट्रॉ यूज कर रहे हो, ऐसा ना हो सड़ा हो, उसमें ऑलरेडी जैसे सेक्रोसिन रॉल्फ सही टाइप ऐसे जो पैथोजन्स है उसमें चिपके हों, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो आप केसिंग का मटीरियल इस्तेमाल करते हैं उसका भी अच्छा होना चाहिए क्वालिटी, जैसे आप क्वायर की इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि जैसे आपका ग्रेड वन का जैसे बड़े बड़े रेसे उसमें आपके केसिंग के मटेरियल में हो तो उसका प्रॉपर लीचिंग और वो नहीं बन पाता है, इसलिए फाइन मटेरियल इज रिक्वायर्ड, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और जो आप जहाँ रखते हो, अगर ऐसी जगह रख रहे हो जहाँ पे बड़ा सारा हम लोगों ने इन्फेक्टेड फूड बॉडीज या कुछ दूसरा मटेरियल जहाँ बीमारी वाला रखा है, तो वो भी कैरी करके केसिंग मटेरियल में आता है। केसिंग मटेरियल का पास्टराइजेशन शुद्धिकरण अच्छा से नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। इन्फेक्टेड फूड बॉडी का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ, जब भी कोई इन्फेक्टेड फूड बॉडी आपको दिखे उसको लेके कहीं दूर वरी करना है किसी गड्ढे में, ताकि जो है आपका इनोकुलम वो बीमारी का जो बीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जब हम लोग मशरूम यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं तो जो रूप का जो है वाटर हार्वेस्टिंग का एक चैनलाइज करते हैं एक पर्टिकुलर टैंक में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने इस तरीके की फूड बॉडी जैसे माइक्रोबोन इन्फेक्टेड या दूसरी बीमारियों से इन्फेक्टेड फूड बॉडी कहीं भी फेंकी है, स्टबल्स मशरूम का बीमारी वाले, तो क्या होगा कि बारिश के पानी के साथ वो सारे स्पोर बहके जो है इस टैंक में इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इस गंदे पानी से कंटेमिनेटेड वाटर से इरीगेशन आप दोगे तो उसमें बीमारी वो आ जाएगी। अगर इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हैं आपके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का भी पता होना चाहिए, फ्लाइज को अगर आप इग्नोर करते हो, माइट को इग्नोर करते हो, तो भी ये डिजीज को स्प्रेड करेगी। फ्रेश एयर से भी आपका, अगर मान लो कि सराउंडिंग में अनहाइजीनिक कंडीशन है, आपका बड़ा सारा जैसे प्रकोपित फूड बॉडी आपने वहाँ फेंकी है, तो भी फ्रेश एयर के माध्यम से आपके इसमें ये चीज आ जाएगी। केसिंग सॉइल का अगर प्रॉपर आपका स्टरलाइजेशन नहीं करी है, प्रॉपर पाश्चराइजेशन इसका नहीं हुआ है, देन तभी भी ये चीज आ जाएगी। पिकर्स हैंड से जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं फूड बॉडी को, सपोज हमने इन्फेक्टेड फूड बॉडी पहले हार्वेस्ट कर दी और उसके बाद हमने जहाँ मन किया वहाँ से फूड बॉडी भी टच कर रहे, तो आपका वो डिजीजेज जो है वो स्प्रेड करेगी, आपको उससे नुकसान होगा। जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं मशरूम के बारे में, कैसे ग्रो करना, क्या कंडीशन मेंटेन करनी, कैसे आपका कंपोस्ट बनानी है, केसिंग सॉइल कैसे बनानी है, स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे मेंटेन करना है, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल मशरूम ग्रोअर बन सकते हो।
जो कंटेजियस डिजीजेज हैं लाइक योर पेट बबल डिजीज, उनके लिए आप अलर्ट रहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए। अगर सपोज बेड बबल अपीयर होता है, कॉमन सॉल्ट को जहाँ बीमारी आई है सिर्फ उसी जगह स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करिए, बजाय कि पूरे के पूरे बेड में अगर सॉल्ट का डस्टिंग करते हो तो सब कुछ मर जाएगा। सिर्फ जहाँ बीमारी है वहीं पे कॉमन सॉल्ट डालना है, इसका ध्यान रखें। इन्फेक्टेड फूड बॉडी को मशरूम हाउस से दूर उसको कहीं दबा दें। केसिंग क्वालिटी का जो पैरामीटर्स हैं, जैसे हाई पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, पीएच इट शुड बी 7 to 7.5 ये होना चाहिए। अगर एसिडिक होगा तो जितना भी पैथोजन कंपिटिटर मोल्ड है वो वहाँ आएंगे और प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला, जो बायोलॉजिक जो आपका माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड हैं, बोटेनिकल पेस्टिसाइड हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो और अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हो। फ्लाई ट्रैप इस्तेमाल हमेशा करिए ताकि फ्लाइज की पॉपुलेशन को आप रोक पाएँ, उनके जो अडल्ट हैं उनको मार के उनका लाइफ साइकिल ब्रेक कर पाएँ। इंसेक्ट प्रूफिंग भी आपके ग्रोइंग फैसिलिटी की जरूरी होनी चाहिए। और जो जो भी इंसेक्टिसाइड है अवेलेबल, आप जो है उनको वॉल्स पे, डायरेक्ट एप्लीकेशन इज नॉट रिकमेंडेड ऑन मशरूम टू बॉडीज, आपने वॉल्स पे इस्तेमाल करना है रूफ पे, और अपने आपको जो इंसेक्ट है इनसे अपनी क्रॉप को बचाना है। और फ्यूमिगेशन भी आपका ग्रोइंग रूम का टाइमली होना चाहिए। जब क्रॉप टर्मिनेट हुई उसके बाद फ्यूमिगेट करिए 2% फॉर्मलिन से। फॉर्मलिन जब हमने इस्तेमाल करना है बिकॉज इट इज़ अ हार्मफुल, अगर हम लोग इसको अपने आप को इसके लिए एक्सपोज करते हैं, प्रॉपर किट आपको पहनना है, मास्क पहनना है, गॉगल पहनना है, प्रॉपर एप्रोन पहनना है, पूरा जो किट है वो, तभी जो है इसको आपने अप्लाई करना है। पोस्ट क्रॉप क्रॉप कुकआउट का भी प्रोविजन होता है, जिसमें हम लोग हीटिंग सिस्टम यूज करके कमरे का टेम्परेचर, जब क्रॉप आपकी ओवर होगी उसके बाद टेम्परेचर को 70 degrees Celsius प्लस हम लोग मिनिमम 3 to 4 hours और 6 to 8 hours तक लेके कमरे को बंद रखते हैं और उसका हीलिंग कर देते हैं। और आप अगर मान लो सिर्फ फ्यूमिगेशन आपने करनी है तो मिनिमम आपको 3 दिन तक जो है वो कमरा बंद रखना पड़ेगा। अगर दोनों प्रोविजन अगर करने हैं तो भी ये तरीका ऐसा है, अगर अगर सिर्फ क्रॉप पोस्ट क्रॉप कुकआउट ही अगर आप करते हैं, सिंपल टेम्परेचर को इंक्रीज करके सारे के सारे जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको मार देते हैं, तो आपका कोई भी मतलब उसमें कंटेमिनेशन नहीं होगी और इजीली जो है आप उनको मैनेज कर सकते हो। स्ट्रिक्टली हाइजीनिक कंडीशन जो है वो आपके चाहे मशरूम ग्रोइंग रूम के अंदर है या ग्रोइंग फैसिलिटीज के बाहर है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपके जो बीमारियों का जो बीज है आपके मशरूम हाउस में जाएगा, जो डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड्स हैं। इसलिए ये जो सारी चीज़ें जो आपको बताई गई इनको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है और बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड वे में आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करवानी है जो भी प्रॉब्लम है आपकी, चाहे बायोटिक बायोटिक स्टेसिस कोई भी है, और ताकि हम लोग उनका सही से आइडेंटिफाई उसको कर पाएँ और प्रॉपर जितना भी जो मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपको इस्तेमाल करनी है। और जो नॉलेज एक ग्रोअर्स के पास है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको कोई चीज़ बढ़िया से समझ आ रही है ट्राई टू शेयर दैट, बिकॉज आपकी नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होगी, खत्म नहीं होगी। कंपटीशन एक जगह है, आप ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ हेल्दी कंपटीशन, जो नॉलेज है उसको शेयर करिए, कैसे मैनेज करना है डिफरेंट बायोटिक स्ट्रेसिस को, अपने जो छोटे ग्रोअर्स हैं, अच्छे ग्रोअर्स भी हैं उनके साथ भी डिस्कशन करें ताकि वो भी बेचारे उनको सपोर्ट मिले और वो भी एक अच्छे सक्सेसफुल ग्रोअर्स बन पाए। फैसिलिटी जो है, बहुत बार ऐसे होता है कि आदमी पूछता है कि जी मैं ऐसा करूंगा तो ग्रो कर लूंगा, वो एक सब अल्टरनेटिव चीज़ है। जब तक आप स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन किसी क्रॉप को नहीं दोगे तो आप सक्सेसफुली किसी भी क्रॉप से अच्छा जो है उससे प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। आपका टाइम टू टाइम जो आपका जो ट्रेनिंग का है वो भी आपने देखना है किस फॉर्मेट का आपको लेना है, बिकॉज अपडेटेड ट्रेनिंग और अपडेटेड फॉर्मेट का भी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी इन मशरूम कल्टिवेशन। और इसके एंड में मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी जो जितना भी सारी चीज़ें मैंने बताई, बहुत सारी शायद आपको नॉलेज देने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन जितने भी हमारे कंपिटिटर मोड्स हैं, डिजीजेज हैं, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि दे आर जस्ट लाइक आवर टीचर,
जब भी हम लोग कोई मिस्टेक करेंगे वो जैसे हमारे टीचर स्कूल में हमारे कान पकड़ के थोड़ा सा डंडा मार के हम लोग को डराते थे, दे आर जस्ट लाइक दैट ओनली। वो हम लोग को अलर्ट करेंगे कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, राइट, प्लीज करेक्ट दैट। वो इस तरीके का अलर्टनेस। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लो सपोज आपने कंपोज प्रेपरेशन में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कंपोज प्रेपरेशन में आपने ध्यान नहीं दिया, कंपोज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले जैसे आपका ट्राइटोमियम है वो अपीयर हो जाएगा गहरे हरे रंग के धब्बे में, ठीक है। केसिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पीएच आपने एसिडिक रखा है आपका, चाहे आपका ट्राइकोडर्मा ग्रीन मोल्ड है, पॉपुलोस्पोरा है, ये अपीयर होंगे। अगर जिप्सम की क्वांटिटी के साथ कंप्रोमाइज किया है तो आपका ये पॉपुलोस्पोरा जो मैट है वो आपके केसिंग और उस पर अपीयर हो जाएगा। और अगर आपने मान लो कि जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है उनकी क्वांटिटी अपनी मर्जी से बढ़ाई है तो आपका इंक कैप है वो आ जाएगा, है ना, आपका ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देगी। और अगर मान लो कच्चे सरफेस पे बनाया है आपने खाद, आपका अगर जैसे क्या बोलते हैं स्पोरन का टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशन नहीं रखी है, डीलोमाइसिस जो ट्रफल है वो अपीयर हो जाएंगे। और मशरूम हाउस में अननेसेसरी आपने मिस्टी एटमोसफियर, हाई ह्यूमिडिटी आपने बना के रखी है, कोई जानकारी नहीं आपको कि कैसे मतलब जरूरी है ये सब है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें आ जाएगा। इंसेक्ट प्रूफिंग अगर आपने नहीं करी है, फ्लाई ट्रैप अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो फ्लाई आपको अलर्ट करने के लिए आ जाएंगी। तो डोंट, आप इसको जो है डोंट टेक इट कि इतना सारा चीज, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं हैं, ये सब जो है दे डिमांड आपका रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर क्रॉप। जब भी अनअटेंडेड अपने मशरूम हाउस को रखोगे तो देन सडनली देयर विल बी अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन योर मशरूम हाउस। तो आपको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर सजेशन फ्रॉम द एक्सपर्ट और प्रॉपर लाइजन, जो आपका चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, केवीके हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, डीएमआर है, सबके साथ प्रॉपर लाइजन आपने बनाना है, रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फंगल डिजीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट फ्रॉम माई साइड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो काइंडली आस्क मी, मैं आपको आंसर उसके लिए करूंगा। सर ये पूछ रहा था, जब आपने बोला था कि अपन एडजस्ट फैन लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड में नहीं, तो सर स्लो स्पीड में मतलब बिल्कुल धीरे धीरे हवा जाए अंदर। हाँ, मेरी बात सुनिए। और जो हवा अंदर जा रही है वो हवा का दूसरी हवा दूसरी तरफ से निकलने की भी जगह होनी चाहिए। हाँ, क्रॉस वेंटिलेशन जो है ना, क्रॉस वेंटिलेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन तभी तो आपका, जैसे मान लो कि अगर आपने सफोकेटेड एटमोस्फियर उससे बढ़ाना है, हटाना है, तो तभी तो आप उसको कर पाओगे। अदरवाइज मान लो ये आपने, आपके मशरूम हाउस में कोई विंडोज नहीं है, कोई दरवाजा उसमें नहीं है, खिड़की नहीं है, ठीक है, तो देन व्हाट विल हैपन, आपका जो आपके एक तरफ से तो आपका वो आप उसको ऑक्सीजन दोगे लेकिन वो जाएगी नहीं, ठीक है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? सुन रहा हूं। हाँ, तो इसीलिए वो क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी होता है। दूसरी बात जो मैंने हाई स्पीड वाला जो चीज बोली है कि जैसे अगर आप मशरूम जो कल्टीवेशन वाला जो लेक्चर था शायद डॉक्टर श्वेत कंबल ने दिया होगा, तो उसमें उन्होंने बताया होगा कि दिन का 4 टाइम उन्होंने रिकमेंड किया होगा जो फ्रेश एयर है, आपने 10-15 मिनट के लिए अपना जो फ्रेश एयर का रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से फुलफिल करना है। अगर एक साथ दे दोगे इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी क्रॉप को इंजरी होगी, ठीक है, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम में दोगे तो आपका टेम्परेचर भी सही बना रहेगा, आपका ह्यूमिडिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी उसमें बना रहेगा और आपकी क्रॉप की क्वालिटी वो बनी रहेगी, ठीक है। सर एक ही तरफ दो विंडो हो, एक ही दीवार में दो विंडो हो, तो ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से एडजस्ट एक तरफ से खुला रखें? उसको जो जैसे मान लो कि क्रॉस वेंटिलेशन का आप सही से समझते हो कि क्या चीज है, बस क्रॉस वेंटिलेशन का जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है वो आपका उसमें फुलफिल होना चाहिए। यहाँ से एयर आप दे रहे हो, फ्रेश दे रहे हो, वो क्रॉस होना चाहिए आपका, मतलब जो क्योंकि आपने रूम का जो एयर है उसको बिल्कुल है उसको हटा के नया उसमें चीज डालनी है, ठीक है। और जैसे अगर मान लो CO2 कंसेंट्रेशन हाई है
तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि जैसे आपने फ्रेश एयर दी तो वो हट के आपका एक कंफर्टेबल एटमोसफियर होगा जिसमें आप लोग ब्रीथिंग कर सकते हैं, ठीक है। सर ये उसमें बार बार अपन को पानी का छिड़काव मतलब जब भी करते रहना है, तो मैं ये सोचना चाहता था कि अगर हर बार उसमें फॉर्मलिन मिला दें तो क्या अपन इंसेक्ट वगैरह से बचे रह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नो नीड, ऐसा आपने भूल के भी नहीं करना है। जब भी आप, क्योंकि फॉर्मलिन मैंने आपको बोला ना, इसका अननेसेसरी अगर आप इस्तेमाल करोगे, एक तो डिसऑर्डर इसमें आ जाएगा जैसे रोज कॉम मैंने आपको बताया था, और दूसरा इन केमिकल का जितना कम से कम आप इस्तेमाल करो उतना अच्छा है। फॉर्मलिन वगैरह का तभी जरूरत है जब आपको रिक्वायर्ड है उसको अप्लाई करना, जब फ्यूमिगेशन करना है, जब मान लो कोई किसी डिजीज का माइकोपैरासाइट का सपोज अटैक उसमें हो गया है, ओनली देन आप इसको इस्तेमाल करिए, अदरवाइज नो नीड टू अप्लाई दिस फ्यूमिगेंट्स। सर मेरा एक सवाल है, अगर तब वो समस्या आती है, हेलो मेरी बात सुनिए, ऑल द पार्टिसिपेंट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जैसे आपका ये जो जैसे क्वेश्चन है ना, मतलब आई विल ट्राई टू गिव इन बिल्कुल प्रिसाइज वे में आंसर देने की कोशिश करूंगा, तो वन बाय वन आप क्वेश्चन पूछिए। एक क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तो लगातार दो चार पांच पूछने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे आदमी को भी मौका दो, हो सकता है कि वो भी कुछ क्वालिटी क्वेश्चन पूछे, प्लीज। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि सर ये बटन मशरूम के कंपोस्ट में येलो मोल्ड की समस्या आ जाती है, हाँ जी, तो सर इसमें इसका क्या है वो है ट्रीटमेंट? इसमें सर मैंने इसमें हाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हैं, यूपी में। यूपी में इसमें एक तो अगर आपका सबसे बड़ा रीजन इसका रहता है, जब हम लोग लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो खाद है ना वो सही से नहीं बन पाती है, इसका आपको हो सकता है कि आप एक्सपर्ट हो इसमें बनाने में सारी चीज, लेकिन ऐसा भी टाइम आ चुका है कि कई लोग इसमें जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी कंसेप्ट जैसे बटन मशरूम में करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जैसे जो हमारा जो स्पेंट मशरूम सबस्टेट का जो रख रखाव है वो भी हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। येलो मोल्ड एक कोई बीमारी नहीं है, मशरूम के माइसीलियम को ये नहीं खाता है कुछ भी करके, बस वहीं पड़ा रहता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, न्यूट्रिशन लेता है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसी खाद बनानी है, क्वालिटी ऐसी रखनी है जो एगेरिकस बाइस्पोरस के अकॉर्डिंगली हो। अगर आप मान लो कि लंबी विधि से अगर आपकी खाद अच्छी नहीं बना पाते हो आपके पास, तो कोशिश करिए कहीं से जो शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग से या टनल पास्टराइजेशन वाले मेथड से जो खाद बनी है तो आप वहां से उन प्रोक्योर करिए, ना कि आप मतलब जो पुअर क्वालिटी वाली जो कंपोस्ट है वो उसके लिए इस्तेमाल करें, और एक बैलेंस कंपोस्ट फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करिए जो किसी एक्सपर्ट ने जैसे इधर भी आपको सजेस्ट किया होगा कि कितना इसमें नाइट्रोजन क्या इसमें चीज डालनी है, अपने लेवल पे कोई काइंडली कोई ऐसी चीज जो है वो आप उसमें मॉडिफिकेशन ना करें, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ आप कंपोस्ट का अगर क्वालिटी सुधार दोगे, आपका टनल पाश्चराइजेशन की फैसिलिटी वाली कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा मीन्स प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन रखेंगे, नहीं ये चीज आती है, और बैलेंस कंपोस्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे, जो फॉर्मुलेशन आपको किसी एक्सपर्ट ने दी उसमें कोई 19-20 का चेंज आपने नहीं करना है। थैंक यू। फ्यूमिगेशन जो करेंगे सर, हाँ जी, फ्यूमिगेशन जो करेंगे रूम में तो उसका एग्जॉस्ट सर वो कैसे निकलेगा फिर? जैसे हमारी 2 दिन रूम बंद करके रखेंगे अपने, हाँ, हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जैसे 5 रूम 6 रूम सर एएचयू के साथ में लगाएंगे सर, तो उसमें वो एग्जॉस्ट जो होगा तो बगल रूम में भी घुसेगा उसका सर हवा? नहीं नहीं नहीं, ये सर ये फ्यूमिगेंट है, आप सपोज जैसे मान लो 7 डेज तक रूम क्लोज रखते हो, ठीक है, और आपने 8-9 डे आपने इसमें आपने बैग रखने हैं, या 3-4 दिन के बाद भी सपोज बैग रखना है, जब आपने ग्रोइंग रूम का आप दरवाजा खोलोगे तो कुछ ही मिनटों में जो है आपका जो फ्यूम है ना वो खाली हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा सारा इसमें और एग्जॉस्ट भरना पड़ेगा, कोई ऐसे चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्यूम है वो धीरे धीरे वो आपके वहां से डिसअपियर होना हो जाता है। और दूसरा जो सर आपने बताया कि 70 डिग्रीज मेंटेन करके भी कर सकते हैं, हाँ जी, एचयू से सर वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा सर उतना? हाँ, इसके लिए आपको या तो जो एडवांस जैसे मान लो जो हाईटेक यूनिट्स है उन्होंने प्रोविजन भी रखा होता है, जो नई जो यूनिट्स लग रही हैं आजकल वो उन्होंने हीटिंग प्रोविजन भी रखा होता है, आइदर अगर आप मान लो कि अगर आपका
वेल इक्विप्ड बढ़िया वेल फर्निश्ड अगर आपका ग्रोइंग रूम है तो ड्राई हीट का भी आप इस्तेमाल करके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। पोर्टेबल हीटिंग सिस्टम भी असेंबल करवा सकते हैं, थोड़ा हाई वॉट का हीटिंग एलिमेंट और उसमें जो मोटर वगैरह उसमें से फिक्स करके वो आप कर सकते हैं इसको। और आपका मशरूम यूनिट में ही अगर ये प्रोविजन अगर आप रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। पहले डैमेज नहीं होगा सर इतना टेम्परेचर पे? नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, मेरा एक सवाल था जी। सर जैसे अपने बोलते हैं कि अपने एक दो मेथड ऑफ कल्टीवेशन, एक बेड मेथड और एक बैग्स मेथड, तो अगर डिजीज होती है तो बैग्स मेथड में वो स्प्रेड नहीं होती है और अगर बेड मेथड करते हैं तो वो इजीली स्प्रेड हो जाती है सर डिजीजेस। मेरा सवाल ये है सर कि क्या वो एक बेड से दूसरे बेड में भी स्प्रेड हो जाती है? और दूसरा सर, जैसे अगर मैं नया सेटअप कर रही हूँ तो चांसेस है कि एक दो साइकिल में मेरे कोई ना कोई डिजीजेस आए, तो सर क्योंकि का मेरे हिसाब से काफी फर्क आ जाता है बैग मेथड और बेड मेथड में, बेड में यील्ड बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बैग्स। जी जी जी, नहीं ये चीज मैडम, ये जो आप पूछ रहे हैं ये जो जैसे इनिशियली जो है, सपोज जैसे आई एम अ बिगनर, मैंने शुरू कर रहा हूँ कल्टीवेशन, जो आपका जो बेड मेथड है उसमें नो डाउट उसमें जो है कंपेरेटिवली ये आपका उसमें कल्टीवेशन भी इजी है उसका, जैसे आपका हर चीज में मतलब थोड़ा सा इजी रहता है उसको, चाहे आप स्पॉन ही करना, हर सारा चीज जो है वो इजी रहता है उसमें रखना। लेकिन बैग मेथड में यह है कि नए लोगों के लिए भी मतलब वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर सपोज कहीं कंटेमिनेशन की उनको मैनेज करना थोड़ा मतलब इतना अच्छे से आता नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो बैग मेथड से जा सकते हैं। बाकी डिजीज स्प्रेड का आपको पता ही है कि अगर एक बैग में अगर कोई डिजीज आ रही है, अगर हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि तो जब आप कमर्शियली इसको करने सीख जाओगे कि किस तरीके से कमर्शियल मशरूम कल्टीवेशन करनी है, इसका प्रॉपर जो एग्रीकल्चर मैनेज प्रैक्टिसेस है मशरूम का, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। जैसे आपका अगर बैग भी अगर आप इस्तेमाल करना है, अगर 10-13 केजी का अगर कैपेसिटी का अगर बैग अगर फिलअप करते हैं जब स्पॉनिंग करते हैं तो कमर्शियली वायबल है, उसमें भी आपको फुल प्रोडक्शन देगा, कोई इसमें जो ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको बेड और बैग में वो नहीं आएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे बाई कीपिंग व्यू जो आपका जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, तो मैं बैग के लिए प्रेफर करता हूँ कि लोग बैग से उसको जो है वो शुरू करें। अदरवाइज जो बड़े बड़े यूज है कहीं, वो लोग जो है वो बेड से ज्यादा वो मतलब इजीली मतलब उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सर इसमें ये मैं, हाँ सर, मैं जैसे ये चीज पूछना चाहूंगी, जैसे मैं एक बिगनर हूँ इस केस में, मैं कलकत्ता में करूंगी ये चीज, तो सर आप ऐसे भी किसी को जानते हैं क्या जो मंथली विजिट करके चेक करता है? बिकॉज लोकली यहाँ पे इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं है जो आके ये चेक कर ले कि कोई डिजीज हो रही है नहीं हो रही है, सब कुछ सही है। इतना आप खुद भी सर आप खुद क्या मंथली विजिट करेंगे? आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं जो साइंटिस्ट को कर दे? हाँ ऐसे तो मंथली मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर बड़ी कोई इमरजेंसी है तो तब मतलब चले जाते हैं। लेकिन दूसरा है कि सपोज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली व्हाट्सएप नंबर, सपोज मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है या किसी दूसरे एक्सपर्ट का, आप उनको फोटो भेजिए, इमिडिएटली वो आपको बता देंगे उसका जो है। और अगर कोई बहुत ही सीवियर केस है तो अपने आप सोचेंगे कि नहीं मेरे को वहां जाना चाहिए विजिट के लिए, अदरवाइज ऐसे कोई जरूरत नहीं है इतना कि उसको रेगुलरली मंथली या कोई ऐसा हो। अगर नियर बाई एरिया में अगर इफ इट इज पॉसिबल अगर कोई ऐसे हैं तो देन आप अप्रोच करके उनको इनवाइट कर सकते। नहीं सर, पूरे बंगाल में सिर्फ एक दो जन ने किया, बंगाल में मशरूम कल्टीवेशन इज अ फेलियर अभी तक, तो इतना कोई आप सही बोल रहे हैं, वहाँ अभी थोड़ा बिगनिंग है, थोड़ा हो सकता है। लेकिन आप टच मेरे यहाँ जितने भी एक्सपर्ट हैं, आपका अगर मान लो कि थ्रू व्हाट्सएप भी आप उनको कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसे कोई पिक्चर भेजते हैं, जहाँ अगर कोई डिजीज कोई कुछ प्रॉब्लम पिक्चर ऐसे भेजेंगे तो इमीडिएटली वो रिप्लाई करेंगे और आप उनको कभी भी कॉल ये सब किसी नहीं सर, मैं एक पूछ रही हूँ कि आप किस कोई जानते हैं क्या साइंटिस्ट को जिनको आप रेकमेंड कर सकते हैं? कल्याणी वेस्ट बंगाल में शायद कल्याणी है सेंटर जहाँ पे हम लोगों का वो एक सेंटर है, तो डॉक्टर ऋषु शर्मा है शायद वहाँ पे कल्याणी। अच्छा सर। हाँ ना,
तो उनसे उनका उनके साथ आप टच में रह सकते हैं। बाकी हो बाकी यूनिवर्सिटीज का हमें ज़्यादा नहीं है नॉलेज ऐसा कि कोई ऐसे स्पेसिफिकली इन पे काम कर रहा होगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनका जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है हर उसमें जो है कोई ना कोई माइकोलॉजिस्ट आपको जरूर मिलेगा। और अगर मान लो कोई यहाँ की आपको जरूरत पड़ती है तो यहाँ आप किसी ना किसी से बात कर सकते हैं, ये हो सकता है। थैंक यू सर। ओके सर, जो फ्यूमिगेशन जो करेंगे सर, हाँ जी, उसमें सर जो फॉर्मलिन रहेगा वो क्या रेशियो में कर सॉल्यूशन क्या रहेगा सर? सर इसका हम लोगों ने 2% हम लोग बोलते हैं, तो 2% का ये है कि जैसे इसमें एआई तो आपका 39-41% इसमें रहता है जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, तो आप उसके बेसिस पे सिंपल आप 20 ml पर लीटर में करके इसको इस्तेमाल कर लीजिए। कोई इसको कैलकुलेशन और लगभग आपका आप से हाफ ही हो गया है इसका जो कंसंट्रेशन है, तो वो सेफ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ये सर फॉगिंग मशीन से करना होगा अपने को कि ये नॉर्मल स्प्रे से कर? हाई प्रेशर स्प्रे भी सर स्प्रेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी, और लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो भी चाहे आपका वर्कर हो या आप खुद हो प्रॉपर किट के बिना ना इस्तेमाल कराइए कोई भी पेस्टिसाइड, फॉर्मलिन हो कोई भी हो अपना सेफ्टी के लिए। फॉगिंग कंपलसरी नहीं ना सर, नॉर्मल स्प्रे मशीन से भी कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। इवन आप इसमें इसको वो भी रख सकते हैं कि जैसे आपके MnO4 और फॉर्मलिन का भी लोग कुछ इसमें मतलब हम लोग रेकमेंड करते हैं कि ये भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल वो आपको रखना ही है कि जगह जगह आप थोड़ा थोड़ा सा सोल्यूशन इसका रख दो, अपने आप उसके फ्यूम बन जाते हैं, आप बाहर वर्कर जल्दी उसको रख के निकल जाते हैं। फॉर्मलिन का रखने के बाद उसमें थोड़ा सा कुछ अमाउंट आप KMnO4 डाल के वो फ्यूमिगेट कर देगा। स्प्रे हाई प्रेशर का भी कर सकते हैं, हाई प्रेशर से करोगे जल्दी निकल जाओगे, ज्यादा मतलब चांसेस नहीं है कि आप एक्सपोज हो उसके। और वो सर जो जैसे रैक सब पे जो सेट होगा तो उसको फिर क्लीन करना पड़ता है पानी से या कुछ करना पड़ता है? वो तो सब वो करना पड़ेगा सर, जो जो भी क्रॉप रेजिड्यू और सारी चीज है वो आपको प्रॉपर वॉश करना है, तो तभी मतलब उसमें और जितना हो जैसे अगर मान लो कि लो कॉस्ट में आप कर रहे हो बैम्बूज का आप इस्तेमाल कर रहे हो रैक्स, उस पे हमेशा ही आप चूना वगैरह या कोई पेंट वाइट पेंट इस तरीके का इस्तेमाल करिए। और अगर मान लो हाईटेक यूनिट में भी अगर आपने रखा है तो काइंडली ऐसा ना हो कि कोई आपका रस्टी रैक हो, ऐसे कोई आप मटेरियल इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें जैसे जो कंटेजियस डिजीजेज हैं जैसे आपका माइकोबोन है, लिशानी शीलियम है, इनके लिए वो इजीली वो एक फ्यूमिगेशन कर दिए फॉगिंग कर दिए तो हाँ जी परत तो बैठेगा सर रैक सब पे। क्या 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 कह रहे हैं सर, रिपीट करिए। फ्यूमिगेशन हमने किया रूम में तो उसके बाद एक परत तो बैठ जाएगी सर रैक्स के ऊपर उसका भी। हाँ 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 वो आपने फिर क्लीन करना है बैगिंग करने से पहले सर? ना कोई जरूरत, आप इसको जो अगर मान लो जरूरत है ऐसे उसको सफाई करने की अगर कोई है तो आप कर सकते हैं, रैक्स को भी आप करिए जितना होता है सर, जितना आप जितना उसको साफ सुथरा रखोगे उतना अच्छा है। नॉर्मल पानी से इसलिए अगर पेंट वगैरह अगर आपके रैक्स पे लगा हो बढ़िया हो तो आपको वो चीजें वो नहीं मिलेगी, जैसे रस्टी नहीं है सब अच्छा है साफ सुथरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी सर। सर नमस्ते सर, सर पूछ रहे थे ना। हेलो हेलो, मेरा सर एक सवाल ये है कि हमारे रूम के अंदर केशिंग होनी है सर जी कल को, तो उसके अंदर CO2 लेवल बढ़ा हुआ है, जो हमारी लेवर काम करती है उसको काम करने में परेशानी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें सर? जैसे आपने मान लो स्पोरन आपका हो गया जी, और जब आप इसका ओपन करते हो जैसे डोर ओपन करोगे थोड़ा सा है ना जी, तो उससे आपका उतना कहाँ वो चीज रहेगी, इतना बिल्डअप उसमें अंदर नहीं रह पाएगा आपका, जब वो आपका कोई भी एंट्री जब ओपन होगी तो अपने आप उस लेवल तक आ जाता है। थोड़ा सा रखते अगर ज्यादा घुटन ऐसे महसूस करे तो यू कैन कीप इट ओपन फॉर सम टाइम, लेकिन उतना नहीं रहेगा जैसे आप ओपन करोगे इतना डोर होता है तो उसमें नहीं आपको प्रॉब्लम आएगी सर। तो जैसे सर हम गेट ओपन करके ही केसिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अंदर से गेट बंद करें जो CO2 को रोकने का सिस्टम हो? उतना जितना सर टॉलरेट कर सकते हो, इतना भी नहीं है कि जैसे मान लो थोड़ा सा वो आप वर्कर्स को अंदर डाल दो बंद कर दो तो वो अपने आप आपको इसका कोई ज्यादा नहीं है, बस आपका जैसे डोर ओपन करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन उसमें मेंटेन होना शुरू हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है सर। अगर आपका कंडीशन बाहर अच्छी है सपोज कॉरिडोर है आपके
वहां भी कोई आपने बिल्कुल ट्रीट उसको करके रखा है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मतलब दरवाजा खुला नहीं रख सकते। जी सर, जैसे हम मतलब CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं क्या? वो नेचुरली वो तो अगर मान लो स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट्स के साथ अगर जा रहा है तो आपको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि ज्यादा अगर उसमें लग रहा है कि CO2 बहुत है, सपोज कहीं ज्यादा लग रहा है सर। हाँ जी, जैसे मान लो कि स्ट्रेन का रिक्वायरमेंट भी की होती है जैसे 5,000-6,000 ऐसे ऐसे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है स्ट्रेन की। अगर सपोज उससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड बहुत हाई लेवल का CO2 उसमें हो रही है तो देन आपको थोड़ा सा फ्रेश एयर उसमें डालनी पड़ेगी वो करने के लिए, वो तो वो मेंटेन करना पड़ेगा सर। अगर मान लो कि कोई आप ऐसी स्ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हो जिसका बिना स्पेसिफिक उसका CO2 कंसंट्रेशन बनाए बिना वो स्पॉन रन नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा या ऐसा नहीं, तो उसके लिए सब करना आपको अपना वो मशीनरी यूज करनी पड़ेगी। जी सर। जी हेलो सर, ठीक है सर। जी ये लॉन्ग मेथड से जो कंपोस्ट तैयार की जाती है। हाँ जी। तो सर इसका हेलो सर रोगों से बचाव के लिए हेलो आखिरी में एक ही पूछिए एक टाइम ट्रीटमेंट हो सकता है सर? सर इसमें जो है ना जैसे लॉन्ग मेथड वाले हैं तो ऑलरेडी इसमें तो अभी फंजीसाइड इंसेक्टीसाइड लोग खूब दबा के डालते हैं, इवन फ्यूराडान लोग कई डाल देते हैं है ना, इंसेक्टीसाइड ये सब उसमें बहुत कंपोस्ट में डलता है। तो लॉन्ग मेथड ऑफ में उसमें तो कोई ना कोई फंजीसाइड, क्योंकि आपका बिल्कुल वो कंपोस्ट एक्सपोज रहेगी तो बिना फंजीसाइड और ये सब आपको किए बिना उसमें वो ट्रीट भी नहीं हो पाएगी अच्छे से और बीमारियां भी उसमें ज्यादा आएगी। तो ये सब है चीज सर। फॉर्मलिन ट्रीटमेंट अब फॉर्मलिन दे सकते हैं सर, फॉर्मलिन लास्ट में हो तो अगर आप उसको थोड़ा सा अगर बनता हो तो आप दे सकते हैं उसको। जी और हेलो सर। हाँ सर, मेरा एक सवाल था, अभी हम ऑयस्टर मशरूम ग्रो कर रहे हैं कुछ दिन से। हाँ। तो दो तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो वो मैगोट्स वाला लार्वा मतलब फोरिड मक्खी का। हाँ। और फिर दूसरा एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ऑरेंजिस। हाँ। रेड कलर का वर्म जैसा दिखता है, बहुत छोटा छोटा, छोटी वाली चींटी होती है ना उससे भी छोटा छोटा, तो उसका क्या सर कुछ इसका? तो और सर फ्लाइज है ना, फ्लाइज के लिए तो मैंने बोला आपको सिंपल सा आप ट्रैप इस्तेमाल करिए, वॉल्स पे भी कॉन्टेक्ट आपका इंसेक्टिसाइड उसमें आप वॉल्स पे उसको डालिए, डायरेक्ट उस पर डालने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा जो जैसे आपका जो भी वेंट है उसका इंसेक्ट प्रूफिंग कराने की उसकी जरूरत है आपको, क्योंकि उसी से एंट्री होती है। और डायरेक्ट आप भी उसमें, और जो एक चीज ये होती है कि जैसे कई ऐसे भी हैं जो नॉर्मल जैसे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े सब होते हैं तो आपके बैग के जहाँ बैग्स रखते हैं वहाँ भी वो एकदम से पनपना शुरू हो जाते हैं। अगर मान लो कि प्रॉपर आपका रूम बढ़िया नहीं है, लो कॉस्ट हट्स में अगर आप इस्तेमाल कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तो आप अगर फ्लाइज के लिए तो ट्रैप आप 5-6 फीट की हाइट पर रख दो उसको, और वॉल्स पे हल्का इंसेक्टीसाइड डाल दो सर। अगर मान लो बहुत ज़्यादा अगर आपके मतलब कोई चीज़ फ्लाइज का बहुत ही ज़्यादा अटैक है तो ये चीज़ उसके लिए कर सकते हैं सर। और दूसरा एक चीज़ ये करनी है, अगर आपके मान लो कि और इसके साथ साथ अगर कॉम्पिटिटिव मोल्ड्स भी, जैसे अगर मान लो कुछ ट्राइकोडर्मा भी सपोज अगर आ रहा है तो उस केस में आप इसकी डस्टिंग उस पर थोड़ा डाल दें सर। जैसे चूना है ना, चूने का आपने उसकी डस्टिंग कर देनी है आपके जो ऑयस्टर के जो अपने बैग हटाए होते हैं, ठीक है। तो ये ऑयस्टर के लिए कॉमन प्रैक्टिस है जो मतलब आपको फॉलो करनी है। और सर दूसरा सर वो एक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, छोटा छोटा वर्म जैसा है, ऑरेंजिस रेड कलर का कोई वर्म आ जाता है, तो उसके लिए क्या करें? उसके वो चीजें जो है ना सर, एक आपने क्या करना है कि जैसे आपके जो एंट्रीज है, जैसे जहां से कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे बिल्कुल ही मतलब लो कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम लोग, आपका स्ट्रक्चर भी शायद मुझे लग रहा है कि जैसे कहीं ऐसा ना हो जैसे स्प्रिंग टेल टाइप या कोई ऐसी चीजें जो इसमें मतलब आपके मशरूम हाउस में आ चुकी है। नो सर, एक वो टीन सेट होता है ना, टीन सेट के अंदर कर रहे हैं। टीन सेट के अंदर नहीं, थोड़ा सा कोशिश करिए सर, ये कंट्रोल होगा आपका। अगर मान लो ये जो चीजें बताई ना दो चार है, इसको चेक करो, इससे इससे मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा उसको अगर मान लो कि अगर कहीं से एंट्री वगैरह फ्लाइज व्लाइज और इसका भी है तो वो चीज देखिए। और दूसरा एक, जब भी आप पानी देते हो तो उसके बाद एयर सर्कुलेट जरूर करना उसमें, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है तो थोड़ा? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी
मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जो हमारी मशरूम है उसमें वो 13-14 दिन हो गए सर कंपोस्ट भरे हुए, स्पॉन रन भी हो रहा है जी, उसमें ब्राउन प्लास्टर मोल्ड आ रहा है सर। अभी स्पॉन रन में है आपकी क्रॉप। हाँ सर, केसिंग करेंगे कल उसमें, हम कल या परसों केसिंग करेंगे तो उसमें ब्राउन प्लास्टर। एक्चुअली सर इसमें जो मैं शुरू में भी बताया आपको कि जो बेसिक मटीरियल आपका खाद है, ठीक है, कंपोस्ट जो है, अगर मान लो इसमें सिंपल सबसे पहली चीज जो है ना, इसमें आपने जैसे अगर इसमें अगर जिप्सम वाला जो गड़बड़ करी होगी ना, तो फिर पर उसके उसका जो है उसका बोलना मुश्किल है इसको। और अगर आपका पूरे के पूरे सर आपकी आवाज कट गई थी, मैं समझ नहीं पाया, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे सर। मैं चीज बोल रहा हूँ सर, ये जो जैसे आपका पॉपुलोस्पोरा ब्राउन प्लास्टर मोल्ड है, ये आपका कंपोस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कंपोस्ट में जब हम जिप्सम का मैंने बोला कि जिप्सम की क्वांटिटी अगर आप कम डालते हो और उसमें ग्रीसी रहती है कंपोस्ट, तो पॉपुलोस्पोरा आता है। और कंपोस्ट में ही अगर मान लो अगर आपके काइटोमियम पॉपुलोस्पोरा आने लग गया तो आप की फसल का फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो आप मुझे आप ये बताओ कि इसमें कितने बैग्स में आपके ब्राउन प्लास्टर मोल्ड है। सर हमारे 3000 बैग हैं रूम में, जिसमें लगभग 50-60 बैगों में ये प्रॉब्लम है। एक तो उसको सर आइसोलेशन में आप ले लो, आइसोलेट कर दो उसको, जो आपके बैग हैं थोड़ा सा बाकियों से। और उसमें अगर आप स्पॉट ट्रीटमेंट या जो है ना केसिंग में अगर क्लोरोथेरिनिल वगैरह आप डाल लो उसमें, कवच, कवच को आपने ऐसा करना कि जो किनारे किनारे हैं इसके बैग के, उसमें भी थोड़ा सा वो सोल्यूशन चला जाए, पूरा केसिंग उससे भीग जाए। और नहीं सर, जैसे आपने बोला केसिंग में डालने के लिए, तो आपने क्या बोला केसिंग में डालने के लिए? एक क्लोरोथेनोनिल, एक फंजीसाइड है क्लोरोथेनोनिल, कवच के नाम से आता है, स्प्लैश ऐसे इसके नाम से भी आ जाता है, कभी कई ट्रेड नेम है इसके, क्लोरोथेलोनिल, ठीक है, क्लोरोथेलोनिल। हाँ, 1 ग्राम 1 लीटर में जब आप केसिंग कर लेते हो तो ये चीज डाल देनी है आपने। बैग के ऊपर करनी है या केसिंग में मिक्स करनी है सर वो? जब केसिंग डाल लोगे, केसिंग के ऊपर जैसे पानी डालते हैं उस तरीके से डाल देना आपने उसकी सिंचाई। जी, पानी का छिड़काव करते हैं तो उसमें मिक्स करके। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, इसका एक दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम जैसे जो प्लास्टर मोल्ड है उसको वहां से कंपोस्ट से बाहर निकाल के रूम से बाहर निकाल दें। तो उसको कैसे, बैग से कैसे हटाओगे अंदर से? जैसे सर बैग के साइड में आ रहा है तो वहां से ब्लेड से काट के और ग्लव्स पहन के हाथ में, और उसके तो वहां से ये जो सब जितना भी है जो सर्जिकल ऑपरेशन है अगर आपने करोगे तो इसको आइसोलेशन में लेके जाना, बैग्स को वहां मत करना ऐसा कुछ। अच्छा, मेन आपका ग्रोइंग रूम है तो नहीं तो दूसरे में भी दिक्कत आएगी। और किसी का कोई ऐसा कॉमन इंटरेस्ट का कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ नहीं तो